तो अभी हम एंटर कर चुके हैं जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज है 5 मार्च 2023। सो आज हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल विजिट करने के लिए। सो पूरी होल फैमिली के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा वो आगे चले गए इस करके मैं और मम्मी क्लिप बना रहे हैं। सो मिलते हैं आपको आगे जाके गोल्डन टेंपल में। यह है दोस्तों लुधियाना का रेलवे स्टेशन, यह एंट्री पॉइंट है यहाँ से। कशु हूँ असं अमृतसर जंक्शन पहुँच चुके हैं, इतों असं बाहर निकल के ऑटो लेने हैं, फिर जाने असं दरबार साहब। दिस इज द जंक्शन ऑफ रेलवे जंक्शन ऑफ अमृतसर। सो अभी हम अमृतसर जंक्शन से बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं क्या करने, हाँ यहाँ से आप जाएंगे सीधे दरबार साहब। बस इतों 5 मिनट लगने होर, थकता नहीं गए, वैष्णो देवी पैदल जाने वाले हो। लुधियाने तो लैके चिंतपुर्णी पैदल जाने वाले। हेलो करो।
जेंट्स की लाइन काफी धीरे 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 चल रही थी, अब इनका फोन मेरे को दस बार फोन आ गया, लेकिन ये तो दोस्तों अभी हमने दरबार साहब के दर्शन कर लिए हैं और लंगर भी छक लिया है। अभी लंगर छकने के बाद अब हम सीधे जा रहे हैं जलियांवाला बाग, और जलियांवाले बाग से थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद सीधे स्टेशन। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? हाँ जी, कितना तो लग रहा है जी दर्शन करके? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ जी मम्मी, तुझे दसो। बढ़िया बढ़िया लग गया। बढ़िया लग गया ना? लंगर छक लिया? भुख तो नहीं लगी? हूँ तो नहीं लगी भुख? हैं? अच्छी नहीं लगी, थोड़ी देर बाद लगती। प्राचीन श्री शनिदेव जी मंदिर, स्थापना 1760। सो यू कैन सी है, ये है अमृतसर के गोल्डन टेंपल की बाजार। चलेगी कितने जिन्हें पछाड़ना उन्हें पछाड़ ही लेना वा इन्नी भीड़ दे विच। सो अभी हम एंटर कर चुके हैं जलियांवाला बाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये है शहीदी कुआं। जनरल डायर के कहने पे जब गोलियां चलाई गई थी सो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग मार दी थी। और ये देख सकते हैं आप, ये है शहीदी कुआं। नीचे पानी दिख नहीं रहा है, अभी वैसे काफी गहरा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये गोलियों के निशान हैं। जनरल डायर के कहने पर जब गोलियाँ चलाई गई थी तो यहाँ पे ये निशान अभी भी बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो।